मैं नहीं समझता कि उन्होंने इस कार्य को, इस दायित्व को जब स्वीकार किया तो चुनौतियों की और समस्याओं की पूरी गंभीरता को समझ के किया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और ऐसी स्थिति में जो उनका बजट भाषण था उसमें वो साहस या वो उनके अंदर की ऊर्जा मुझे दिखाई नहीं दी जो ऐसी स्थिति में किसी वित्त मंत्री के भाषण में होनी चाहिए थी। इसमें परिस्थिति का वर्णन है, अगर इजाज़त दें तो कहें कि परिस्थितियों का रोना है। हाय ये हो गया, हमारा एक्सपोर्ट गड़बड़ा गया, हमारे यहाँ बजट का घाटा बढ़ता चला गया, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ गया, दुनिया में जो कुछ आर्थिक दृष्टि से कठिनाइयाँ आई थी, ग्लोबल मेल्टडाउन हुआ था, उसका हम पर प्रभाव पड़ गया, लेकिन हम उठ खड़े हो गए। ये बात तो ठीक है, उठ तो खड़े होना ही है, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि भारत उठ खड़ा होगा, इसकी आर्थिक स्थिति उठ खड़ी होगी, लेकिन तब उस तरफ हम होंगे और इस तरफ आप। उठाना तो है उस स्थिति को, वो तो भारत की जनता इस स्थिति को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी जो आज है। मैं कुछ आपके बजट प्रस्ताव, हो सकता है कुछ तीखी आलोचना करूं। आप तिरुकुरल के बहुत प्रशंसक हैं, उसका अक्सर आप उल्लेख करते हैं। मैं वैसे तो तमिल भाषी नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं एक तिरुकुरल के बहुत अच्छे पवित्र वाक्य को बोलने के लिए। सेवि कैप सुर पौरुकम पणपुड़ई वेंदन कवि कई कीलट अंगुम उनक। इसका अंग्रेजी भाषांतर है, ए रूलर ऑफ क्वालिटी वो एक्सेप्ट वेल मेंट दो बिटर क्रिटिसिज्म विद पेशेंस एंड फोरबियरेंस विल फाइंड ऑल द वाइज सपोर्ट फॉर हिम। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत धैर्य के साथ उन बातों को सुनेंगे और उसमें से जो भी कुछ आपको वाइज सजेशंस लगें उन्हें आप ज़रूर स्वीकार भी करेंगे, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था बिगड़ गई और इसी हालत में चलती रही तो ये कहने से काम नहीं चलेगा कि वित्त मंत्री आप थे, अरे उसका नुकसान तो हम सबको उठाना पड़ रहा है। इसलिए मेरी आपसे ये बहुत विनम्र प्रार्थना है कि इस मामले को आप बहुत गंभीरता से लें, और अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये कहूँगा कि आप जिस सूत्रों का, जिन मुख्य सिद्धांतों का पालन करते रहे अभी तक, वाशिंगटन कॉन्सेंसस के जिन सूत्रों को आप यहाँ लागू करते रहे हैं, अच्छा होगा कि आप बजाय वाशिंगटन कॉन्सेंसस के एक दिल्ली कॉन्सेंसस बनाएं, भारत के लोगों के साथ आम सहमति बनाएं, भारत की सभी पार्टियों के साथ आम सहमति बनाएं, भारत के गरीब जनता के साथ आम सहमति बनाएं, यहाँ के किसानों से, मजदूरों से, आदिवासियों से, गरीब नौजवानों से, मध्यवर्त परिवारों से, इनके साथ आप आम सहमति बनाएं। और अगर ऐसी कोई दिल्ली कॉन्सेंसस आप बनाएंगे तो मैं समझता हूँ आप एक अच्छी दिशा में देश की अर्थव्यवस्था को ले जाने के लिए याद किए जाएंगे। मगर ये मेरी सदिच्छा ही हो सकती है, मेरा आज तक का तजुर्बा ये है कि किसी अच्छी बात को, किसी आम सहमति को बनाने के लिए आप लोग तैयार होते नहीं हैं। ये आपकी इच्छा है, आपका अपना विचार है, लेकिन मैं बार बार कहता रहा हूँ आर्थिक मामलों के बारे में जब भी सभापति ने मुझे बोलने का अवसर दिया है कि ये केवल किसी एक पार्टी का मामला आज नहीं है, ये सारे देश का सवाल है, 120 से करोड़ से अधिक लोगों के जीवन का सवाल है, और हमारे आपके जीवन से ज़्यादा हमारे देश की आने वाली पीढ़ी के जीवन का सवाल है, उन छोटे दुध में है नन्हे बच्चों के जीवन का सवाल है जिन्हें आज पढ़ाई नहीं है, भोजन नहीं है, दवाई नहीं है। इसलिए इसको आप एक महत्वपूर्ण विषय मान करके मैं समझता हूँ आगे विचार करेंगे। आप
कहते हैं कि हमारा लक्ष्य है हायर ग्रोथ लीडिंग टू इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसे आपने मूल मंत्र बनाया है। अर्थात आप कहते हैं कि ग्रोथ एंड इक्विटी, ये आपका मूल मंत्र है। ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब क्या? आपने स्टिग्लिट्ज़ का आगे एक उदाहरण दिया है, मैं भी उनका उदाहरण दूंगा, पर मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि क्या आपने स्टिग्लिट्ज़, अमर्त सेन और फितूसी की रिपोर्ट को पढ़ा? जब यूरोप में मेल्टडाउन हुआ तब फ्रांस के उस समय के राष्ट्राध्यक्ष सरकोजी को ये समझ में आया कि हो क्या रहा है, प्रगति प्रगति, ग्रोथ ग्रोथ, लेकिन यहाँ तो दुनिया बिगड़ रही है, उलट उलट गया है मामला। देर इज़ नो वेल बींग, देर इज़ ए ग्रोथ बट देर इज़ नो वेल बींग। तो उन्होंने एक कमीशन बनाया जिसके सदस्य थे अमर्त सेन, जो एशिया और गरीब देशों की अर्थव्यवस्था के बहुत ही गहराई से जानने वाले अर्थशास्त्री थे। उसमें थे स्टिग्लिट्स, जिनका आपने उदाहरण दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के नोबेल पुरस्कार प्राप्त थे, दो तो नोबेल लॉरियट्स थे उसमें, और तीसरे थे फितूसी, जो यूरोपियन अर्थव्यवस्था के बहुत ही प्रकांड विद्वान और बहुत ही नोबेल स्तर के व्यक्ति थे, उनको भी नोबेल पुरस्कार मिल सकता है कभी भी। उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी, उस रिपोर्ट की एक एग्जीक्यूटिव समरी भी है, रिपोर्ट बहुत बड़ी है। उस समरी का नाम है मिस मेजरमेंट ऑफ अवर लाइव्स, व्हाई द जीडीपी डज नॉट एड अप। हमारे जीवन की समस्त आर्थिक गतिविधियों का ठीक ढंग से मापन नहीं होना। द बेसिक क्वेश्चन इज अबाउट द मेट्रोलॉजी इन इकोनॉमिक्स, इंडिकेटर्स, द पैरामीटर्स एंड पर्टिकुलरली द जीडीपी। क्या जीडीपी का बढ़ जाना ये वास्तव में लोगों के जीवन के स्तर को सुधरा हुआ बताता है? क्या जीवन स्तर की जो वास्तविकताएं हैं वो सब जीडीपी में प्रतिबिंबित होती हैं? ये केवल एक इंडिकेटर हो सकता है, लेकिन ये समग्र जीवन का, जिसको आप कहते हैं ना कि इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसका इसमें कहीं जिक्र होता नहीं है। इसलिए आपका आग्रह है जीडीपी बढ़ाने पर, ग्रोथ बढ़ाने पर, क्योंकि मैंने आपके बजट भाषण को पढ़ा, इसमें ग्रोथ के साथ साथ आपका अर्थ केवल जीडीपी से निकलता है। जीडीपी के अलावा भी कोई ग्रोथ का इंडिकेटर है, मॉनिटर है, इसका इसमें कहीं उल्लेख नहीं है। मैं चाहूँगा कि इस बारे में गंभीरता से बहस होनी चाहिए देश में, दुनिया में हो रही है, हमारे देश में भी होनी चाहिए, कि वास्तव में जनता की आर्थिक उन्नति का, भौतिक उन्नति का एकमात्र पैरामीटर, एकमात्र इंडिकेटर, एकमात्र सूचकांक क्या केवल सकल घरेलू उत्पाद है? क्या यह सारे जीवन को प्रतिबिंबित करता है? क्या इसके अलावा और चीज़ें नहीं हैं? इसलिए जब आप कहते हैं कि हायर ग्रोथ, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ तो कैंसर में भी होती, बड़े बड़े ट्यूमर्स होते हैं, थायराइड में भी ग्रोथ होती है। फिर उसको आप कहें कि अब इस ग्रोथ को इक्विटेबल ही बांट दिया जाए, इज इट पॉसिबल? क्या उसका मतलब है? ग्रोथ माने क्या? ग्रोथ विदाउट जॉब्स, ग्रोथ विदाउट हेल्थ, ग्रोथ विदाउट एजुकेशन, ग्रोथ विदाउट एनी अदर एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी, फिजिकल और अदरवाइज, क्या मतलब है उसका? हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, प्लेजर, लेजर, ये सब कहीं जीडीपी में रिफ्लेक्ट नहीं होते। लेकिन मानव जीवन के विकास के लिए केवल जीडीपी कोई बात नहीं होती, ग्रोथ, समूचे समाज की ग्रोथ, सभ्यता की ग्रोथ, संस्कृति की ग्रोथ, जब तक ग्रोथ ही स्वयं ऑल इंक्लूसिव नहीं होगी, जब तक ग्रोथ के अंदर सारे जीवन के उत्थान के जितने भी सूचकांक हैं वो सम्मिलित नहीं होंगे, तब तक ग्रोथ ये केवल एक हवा में या अंधकार में सीटी बजाने की तरह, इसका कोई यथार्थ भौतिक मतलब नहीं होता, ये केवल एक आंकड़ों का भ्रमजाल है। और अगर आप देखेंगे तो उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि मनुष्य की उन्नति, समाज की उन्नति, विश्व की उन्नति जानने के लिए कितने जटिल प्रकार के पैरामीटर्स नापने होंगे, और उसकी तरफ विश्व को बढ़ना चाहिए अगर आप सही माने में कोई अर्थतंत्र करना चाहते हैं। लेकिन आप तो वाशिंगटन कॉन्सेंसस से बंधे हुए, उससे एक इंच इधर भी नहीं जाएंगे, एक इंच उधर भी नहीं जाएंगे। उनका मूल मंत्र है वो कर दे, प्राइवेटाइज, लिबरलाइज, ग्लोबलाइज, खत्म, चलते रहो।
लेकिन वही स्टिग्लिट्स जिसका आपने उदाहरण दिया है वो क्या कहते हैं, उनको जरा देखिए। ग्लोबलाइजेशन लाइक डेवलपमेंट इज नॉट इनविटेबल इवन दो देर आर स्ट्रॉन्ग अंडरलाइंग पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोर्सेज बिहाइंड इट। बाई मोस्ट मेजर्स बिटवीन वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू बोथ द पेस एंड एक्सटेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्लोड एंड इवन रिवर्स्ड। फॉर एग्जाम्पल मेजर्स ऑफ ट्रेड एज अ परसेंटेज ऑफ जी डी पी एक्चुअली डिक्लाइंड इफ ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू लोअर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग for many or most of the citizens of a country, and if it compromises fundamental cultural values, then there will be political demands to slow or stop it. I don't find, Mr. Finance Minister, any reference to the culture or values in your entire budget statement. It is devoid of culture, it is devoid of value, it is only a hollow statement, a hollow balancing of the income and expenditure of the government, which any chartered accountant can do it. And therefore, my most humble suggestion to you is, please rise from the role of the chartered accountant and try to become the finance minister. This budget is nothing. आपने क्या किया है? अभी मैं उसके बारे में भी आगे आपसे चर्चा करूँगा। स्टिग्लिट्स और भी आगे चलके कुछ कहते हैं। आप तो फ्री मार्केट और कैपिटलिज्म के विरोधा हैं और स्टिग्लिट्स को कोट कर रहे हैं। स्टिग्लिट्स कहते हैं देर इज ऑल्सो अ ग्रोइंग रिकॉग्निशन दैट देर इज नॉट जस्ट वन फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म, नॉट जस्ट वन राइट वे ऑफ रनिंग द इकॉनमी, देर आर फॉर इंस्टेंस अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट इकॉनमीज सच एज दैट ऑफ स्वीडन विच हैज सस्टेन्ड रोबस्ट ग्रोथ दैट हैव लेड टू क्वाइट डिफरेंट सोसाइटीज marked with better health care and education and less inequality. While Sweden's version may not work as well elsewhere, sahi baat, or may not be appropriate for a particular developing country, its success demonstrates that there are alternative forms of effective market economies. And I was happy when the Chinese leaders came and told your party also, don't follow the Chinese system, develop an Indian system. So that is the way you see, the Stiglitz says that there is not hard and set rule, one rule which is applicable to the whole of the world. And that is the real mistake which you are committing in this country. Ek planning commission se ek set banaya aur sare desh par lagu kar diya, to Rajasthan mein bhi wohi kariye aur Kashmir mein bhi wohi kariye, Sundarbans mein bhi wohi kariye, Kerala mein bhi wohi kariye, ye nahi chalta hai. Therefore the whole system has to be revalued, reviewed, recheck, reframe. Perhaps you will not get the opportunity to do that. That may perhaps come on the shoulders of some person sitting on this side. Then he says, and when there are alternatives and choices, democratic political process should be at the center of decision making, not bureaucrats and technocrats. One of my criticisms, that is of Stiglitz's criticism of the international economic institutions, is that they tried to pretend that there were no trade-offs, a single set of policies made everyone better off, while the essence of economics is choice, that there are alternatives, some of which benefit some groups, such as foreign capitalists, at the expense of others, some of which impose risks on some groups, such as workers and laborers, to the advantage of others. इसलिए आप जब स्टिग्लिट्स को का उदाहरण दे रहे हैं तो स्टिग्लिट्स के पूरे सिद्धांत को सामने रखकर उदाहरण कीजिए, केवल छोटी सी उसकी एक सेंटेंस को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके बात नहीं बनेगी। फिर वो कहते हैं आगे, दोज वर लेस कंसर्न्ड अबाउट इनइक्वालिटी एंड मोर कंसर्न्ड अबाउट इकोनॉमिक एफिशिएंसी टेंड टू बी लेस कंसर्न्ड विद नॉन इकोनॉमिक वैल्यूज सच एज सोशल जस्टिस, द एनवायरमेंट, द कल्चरल डाइवर्सिटी, यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अर्थात ये कि अगर आपको विकास करना है तो उस बिल्कुल एक घिसे पिटे मॉडल पर जिसे आप
बेटन रूड इंस्टीट्यूशंस कहें, वाशिंगटन कॉन्सेंसस कहें, G20 फार्मूला कहें, G8 फार्मूला कहें, जो कुछ आप कहें, उससे काम नहीं चलेगा। एक नई चीज़ की ज़रूरत है, एक नए सोच की ज़रूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आपने नई परिस्थिति में इस मैदान में कदम रखा है, आप इस अखाड़े में आ गए, तो सोच के चलिए कि पुराने जितने भी सोल्यूशंस हैं वो काम नहीं करेंगे। नई बात लानी पड़ेगी, नई परिस्थिति है, देश के सामने नई चुनौतियाँ, आप स्वयं स्वीकार करते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। और आप नई बात के लिए तैयार नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है, सोचने के लिए तैयार नहीं है, आप केवल माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अध्यक्षा UPA, इसके अलावा और कुछ सोचने को तैयार नहीं है। देश में और भी कुछ है, उसके आगे भी बहुत कुछ है, सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, ज़रा उस तरफ भी ध्यान दीजिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने फंडामेंटल्स को ठीक करने की कोशिश करें। अगर वो ठीक नहीं करेंगे तो ये स्थिति निश्चित रूप से 1990-91 तक पहुँच कर ही रहेगी, उससे पहले रुकेगी नहीं। अब आपका एक और महत्वपूर्ण इसमें संदेश है हमारे लिए, आप कहते हैं कि देयर इज़ ए कंपेलिंग मॉरल केस फॉर EPT, जो उन्होंने कहा है स्टिग्लिट्ज़ ने। फिर आप कहते हैं वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेट्स ग्रोइंग एट ए फास्ट रेट बट लीविंग बिहाइंड विमेन द शेड्यूल्ड कास्ट द शेड्यूल्ड ट्राइब्स द माइनॉरिटीज एंड सम बैकवर्ड क्लासेस। दिस इज प्रिसाइजली योर मॉडल। You have left behind scheduled castes, you have left behind Adivasis, you have left behind the unorganized sector, you have left behind the vast number of unemployed young men. ये तो आपका मॉडल है, तो आप इसे रिजेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर खुल के कहिए कि ये रिजेक्ट गलत हो गया, हमसे गलती हो गई, आइए फिर बात करें। ये हाँ मतलब लेकिन इसके अलावा हिंदुस्तान में ऐसे भी मॉडल्स हैं जहाँ हर गरीब आदमी का ख्याल किया गया है, जहाँ आदमी नहीं आदमी के साथ काम करने वाले जानवरों का भी ख्याल किया गया है, गाय और भैंस और बैल का भी ख्याल किया गया है, जहाँ मुर्गी और मुर्गी के बच्चों का भी ख्याल किया गया है, जहाँ गरीब आदमी का भी ख्याल किया गया है, जहाँ एग्रीकल्चरल ग्रोथ 18% तक हुई। ऐसे मॉडल्स हैं, आप उनकी तरफ देखिए। ऐसे मॉडल्स हैं जहाँ 1 रुपये और में चावल देने की बात है, जहाँ 5 रुपये में भरपेट भोजन देने की बात हो रही है। मेरा निवेदन है आप चलें छत्तीसगढ़, 5 रुपये में भरपेट भोजन कीजिए, रिक्शे वालों के साथ, टांगे वालों के साथ, औरों के साथ बैठ के दाल चावल सब्जी आप क्यों नहीं दे सकते? आप अपना एक, क्योंकि वाशिंगटन कॉन्सेंसस में वो मॉडल नहीं आता, उसमें गरीब आदमी के साथ बैठ के खाने का जिक्र नहीं होता, इसलिए आप उसे नहीं मानेंगे। यही आपका किसका संतरास है, यही आपकी त्रासदी है। फिर आप कहते हैं कि बहुत अच्छी बात कही आपने कि द पर्पज़ ऑफ ए बजट एंड द जॉब ऑफ ए फाइनेंस मिनिस्टर इज़ टू क्रिएट द इकोनॉमिक स्पेस एंड फाइंड द रिसोर्सेज टू अचीव द सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ये सही बात है, ये फाइनेंस मिनिस्टर का काम है, लेकिन ये तो आप ज़रा देखें कि इकोनॉमिक स्पेस कहाँ से पैदा करेंगे, कैसे पैदा करेंगे और रिसोर्सेज कहाँ से लाएंगे। और इसके लिए पहला मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप ज़रा पहले भारत को तो समझ लें, भारत का आर्थिक स्पेस कहाँ तक फैला हुआ था और आज कहाँ है, पहले उसको जानिएगा, तब तो आगे का स्पेस करिए। आपने एक बार भाषण दिया था विदेश में जाके, अंग्रेज़ों से भी और अमेरिकन से भी, कि आप यहाँ आए थे, 200 साल तक रहे, खूब सरसब्ज हो के गए, अब फिर से आइए और यहाँ रहिए और आपको बहुत लाभ होगा, बहुत मुनाफा होगा। आपने अभी तक इसका खंडन नहीं किया, कर देंगे तो खुशी होगी। तो आपने ये कहा, तो इसका अर्थ यह है कि आपको अंग्रेज़ों के आने के पहले के भारत के स्पेस का पता ही नहीं था। अंग्रेज़ की ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ 1600 में आई, तब भारत का इकोनॉमिक स्पेस 24% ऑफ द वर्ल्ड GDP था, 24%। और जब अंग्रेज़ यहाँ से गया 200 साल के बाद, तो 3% के करीब छोड़ गया, और आज 60-65 साल के बाद उतना भी नहीं है हमारे पास। आप हर साल कहते हैं हम दुगना करेंगे, हर प्लान में कहते हैं दुगना करेंगे, मगर 2%, 2.25%, 2.5% वहीं घूमते रहते। तो कहाँ से कौन सा इकोनॉमिक स्पेस आप पैदा करना चाहते हैं? इकोनॉमिक्स तो काफ़ी लचीली होती है, इसमें तो बहुत इलेस्टिसिटी है, तो कितना बड़ा स्पेस कर सकते हैं? क्या 24% जाएंगे? तब तो आप 1600 साल के स्पेस में पहुंचेंगे। क्या आप
किसी ऐसे इकोनॉमिक स्पेस की कल्पना कर सकते हैं, और एक फाइनेंस मिनिस्टर के नाते इस देश के ये कल्पना करनी चाहिए कि जो 1600 में हमारा स्पेस था 2012, 14, 15, 20 में, उससे सवाया डोढ़ा स्पेस हमको लेने की हिम्मत करनी चाहिए। आप तो वहीं घूम रहे, आप तो वही बात कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ये आप भारत की अर्थव्यवस्था को दिशा क्या देना चाहते हैं। क्या ऐसे यही थोड़ी बहुत लंगड़ी दौड़ करती रहे, कभी आधा परसेंट बढ़ गई, कभी 0.5% घट गई, कभी टैक्स इधर बढ़ गया, कभी टैक्स उधर घट गया। ये मत करिए, वित्त मंत्री की तरह काम करिए। देश की को वित्त व्यवस्था की, अर्थव्यवस्था की, रिसोर्स के मोबिलाइजेशन की ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश कीजिए। ये सवाल ये है, मैं उस भंडार की बात नहीं करना चाहता जो विदेशियों ने हमारे यहाँ से लूटा, व्यापार के तौर पर भी, हमलों के तौर पर भी। मैं नहीं समझता कि आज कोई भी वित्त मंत्री ये कह सकता है कि वो कोहनूर हीरा जो हमारे यहाँ से गया था, अगर गया तो कोई बात नहीं, अब उससे बड़े हीरे हम इस देश के अंदर ला के खड़े करके दिखाएंगे, नहीं कह सकते। वो उसको लाना तो आपने छोड़ दिया, तो मना कर दिया, लेकिन उससे बड़ी कोई चीज़ बना के, तख्त ताउस चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन हम कुछ और बना के दिखाएंगे, कुछ उससे बड़ा तख्त बना के दिखाएंगे, कुछ उससे बड़ी चीज़ें बना के दिखाएंगे, बड़ी समृद्धि ला के दिखाएंगे, नहीं 1.5%, 2%, 1.25%। ये कोई देश है? 1 अरब 20 करोड़ लोगों का देश, सारी समृद्धि से भरा हुआ, सारी टैलेंट से भरा हुआ, सारे पुरुषार्थ ऊर्जा से भरा हुआ, आप उसको कहाँ नचा रहे हैं? 0.25%, 1.5%, 0.25%, 1990-91 में वापस ले जा रहे हैं। क्या बात है? ये कैसा बजट है, कैसी वित्त व्यवस्था है, कैसा चिंतन है? मुझे बहुत अफसोस है। फिर आपने कहा कि भाई क्या करें, बड़ी तकलीफ है, मगर फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट और इन्फ्लेशन, ये हमारे लिए बड़ी समस्याएं हैं, वाकई समस्याएं इस वक्त। लेकिन अब आप इसका निदान क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट FDI, FII और एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग। और आपका एक वाक्य मुझे देख के ये समझ में नहीं आया कि आपने ये कैसे कहा है कि आप बार बार इसकी तरफ आग्रह करते आ रहे हैं। At present, the economic space is constrained because of a high fiscal deficit, reliance on foreign inflows to finance the current account deficit, lower savings and lower investments, etc. During the course of my speech, I shall spell out measures that will address each of these issues. अब इसमें आपने करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए जो सबसे ज़्यादा बात आग्रह किया है वो यही किया है कि if I may be frank, foreign investment is an imperative. What we can do is to encourage foreign investment that is consistent with our economic objectives. What are your economic objectives? Nowhere you have spelled out the economic objectives in this budget. Is it only to help the certain growing industries and industrialists of this country? Or is it to help the poor, the destitute, the deprived, the scheduled caste, the scheduled tribe, the backward and the more backward? Kya hai aapka uddesh? To create an egalitarian society or to create a capitalist society? क्या चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है? What are your objectives? With our economic objectives. इसलिए मैंने कहा इस पर बहस होनी चाहिए. There should be a consensus on the economic objectives of this nation. There cannot be an economic objectives of one party or two party or three parties. There has to be a national consensus on economic objectives. And that cannot be only to march at 1.5 and 1.75 of the world space in economics. It should be to cross that 24%. You have no word. It should be that there will be nobody hungry in this country. Koi aadmi yahan bhookha nahi rahega. Koi aadmi yahan bimari ki avastha mein bina dawai ke nahi rahega. Aapne kahin nahi likha isko. Koi aadmi bina gainful and decent or employment ke nahi rahega. Aapne kahin nahi likha isko. क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आप? शब्दाडंबर केवल, हवा में लट? गोल्स, गोल्स मस्ट बी कॉन्क्रीट, साफ, 1, 2, 3। समय तय करिए, देश की को भलाई साथ में लेके चलिए, आप उधर हैं। मैंने बार बार कहा है कि अगर देश के लिए सांझी कोई एक कॉमन कॉन्सेंसस बनती है, सारे देश के संपूर्ण विकास की कल्चर एंड एवरीथिंग मिला के जिसमें सब शामिल है, जो स्टिग्लिट्ज़ ने भी कहा है, तो मैं समझता हूँ उसमें आप देश को आगे ले जा सकेंगे। मगर अफसोस,
आप सिर्फ कदम ताल करना चाहते हैं, आगे बढ़ने की स्थिति नहीं है। अब आप कहते हैं कि ये यही सबसे ज़रूरी है, अच्छा तो होगा भी। हमने अभी आपको स्टिकलर्स का बताया था, एक और बता देता हूँ जो उन्होंने कहा आपके, वो काफ़ी आपको पसंद है। उन्होंने एक बात और कही है, Why should you import the Walmart culture? Stiglitz बोल रहे, Not only Walmart as a shop, but Walmart as a culture. हमारा भी यही आपसे, culture, Walmart as a culture, the economic culture which the Walmart is propagating, the culture which flows from their economic system, the culture of exploitation, the culture of high profit. That's it, you see, that it says. And a culture which is completely deculturized. There is no human culture in it. There is no human value in it. Whose culture is only profit. Exploitation. So Walmart is a shop, but Walmart is a culture. India is famous for being the land with the highest per capita of billionaires. This is a striking for an average country with so many people. There is that huge divide. Now from the very top, that is no longer class-based, but money-based in redefining of divisions within society. We have changed the rules of the game to give more weight to moneyed interest just at the time when inequality is growing. US firm is planning to set up nuclear plants, should bear all the liability, but they do not do that even in the US, state subsidizes and protects them. India has a large talented entrepreneurial class and lots of savings and wealth. Why should it need foreign entrepreneurs in any sector? And if you start taking foreign entrepreneurs in economic sector beyond a certain limit, the days are not far away when this whole office, this whole parliament house will be governed by certain foreign interests, if not foreign people. ये मत करिए, सोच के समझ के करिए, इसको एकमात्र imperative मत मानिए। जितनी ज़रूरत होगी ले, दवाई की जितनी ज़रूरत होती है ज़रूर लेते हैं, मगर बॉडी की इम्यूनिटी ज़्यादा ज़रूरी है, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता होना ज़्यादा ज़रूरी है। दवाई तो तब काम करेगी, एक बीमार आदमी जो कैंसर से ग्रस्त है उसको आप थोड़ी देर जिंदा रख सकेंगे, मगर उसका उद्धार नहीं कर सकें। अब आप फिर आगे कहते हैं, फाइनली द डेवलपमेंट्स मस्ट बी सस्टेनेबल इकोनॉमिकली एंड इकोलॉजिकली। अब इसमें कहाँ बैलेंस, आपका एक मिनिस्टर कुछ कह रहा है, आप कुछ कह रहे हैं। अभी आपके मिनिस्टर ने फरमाया कि इथिकल मार्केट होना चाहिए, इसका मतलब है बहुत सारा मार्केट जो आप डील कर रहे हैं वो अनइथिकल है। आज ही कहा अखबारों में बड़ी हेडलाइंस के साथ, तो इकोलॉजी वाला कुछ कह रहा है, इकोनॉमी वाला कुछ कह रहा है। वैसे तमाशा इसमें यह है कि दोनों इको से संबंधित, वन इज द नॉलेज ऑफ इको एंड द अदर इज द मैनेजमेंट ऑफ इको, बट बोथ आर एट लॉगरहेड्स। जो इकोलॉजी है वो कुछ और कह रही है, इकोनॉमी है वो कुछ और कह रही है। तो आपकी तो सारी सरकार में ये झंझट है, वो मैं बाद में कहूँगा। अब मेरी समझ में नहीं आता है क्या इसमें, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, कितना डेवलपमेंट। अभी वो बोल रहे थे माननीय गृह मंत्री जी कि आदिवासियों के साथ बड़ा अन्याय किया झारखंड में, हो सकता हुआ हो, मैं कहाँ नहीं हो रहा हूँ। आपका सारा डेवलपमेंट प्लान वो सारा आदिवासियों के खिलाफ, वो सारा गरीबों के खिलाफ, वो सारा बेसहारा लोगों के खिलाफ। कौन सा उसके अंदर आपने आदिवासियों का ख्याल किया? स्टडीज तो ये कह रही हैं कि बहुत सारा अनरेस्ट इस देश में इसीलिए है कि आपका प्लान डिस्टर्ब कर देता है लोगों के जीवन को। और उन्होंने कहा ना स्टिग्लिट्ज़ ने, इफ इट कंप्रोमाइजेज फंडामेंटल कल्चरल वैल्यूज देन देयर विल बी पॉलिटिकल डिमांड्स टू स्लो और स्टॉप इट। रीड पॉलिटिकल अनरेस्ट, रीड इकोनॉमिक अनरेस्ट। इसलिए वित्त मंत्री जी आपने एक चुनौती स्वीकार की है, मगर आपके पास हथियार नहीं है उसको, आपके साथ ही आपका साथ मिलेगा। अभी आपने पहले ही कहा है कि
इन्फ्लेशन आपके यहाँ बहुत है। अब आप कहते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत है, तो क्यों है? अनाज के भंडार भरे हुए हैं, फिर फूड इन्फ्लेशन क्यों है? लाखों टन अनाज के भंडार हैं आपके पास, जितना बफर रिजर्व चाहिए उससे ढाई गुना तीन गुना आपके पास, और नई फसल आ जाएगी तो आपके पास रखने को जगह नहीं होगी। हाँ, आप जानबूझ के सड़वाते हैं उसको, फिर शराब बनाने वालों को बेच देते हैं, उसका क्या क्या फायदा है? उस गरीब आदमी को दीजिए, क्यों मुफ्त भी दिया? हमने दिया, मुफ्त दिया जा सकता है। भूख मिटाइए, भूख बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। कुछ दिन भूखे रह के देखिए, तब पता लगता है भूख के क्या मायने होते हैं। वो हमारे उपनिषद में एक कहानी है कि एक लड़के ने पिताजी से कहा, मैंने ब्रह्म को समझ लिया है। उन्होंने कहा, बेटा तीन दिन बाद आना भूखे रहकर। तीन दिन के बाद वो फिर पहुँचे बिल्कुल भूखे रहकर, तो उन्होंने कहा, बेटा ब्रह्म क्या है? बोले जी, पहले अन्न चाहिए, ब्रह्म बाद में देखो। अन्नम ब्रह्म। आप उस ब्रह्म को सड़वा रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? देयर इज द कल्चरल वैल्यू। क्या कर रहे हैं आप? इकोनॉमी किधर जा रही है? एक तरफ किसान मर रहा है, दूसरी तरफ अनाज सड़ रहा है, तीसरी तरफ आदमी भूखा मर रहा है, और हम यहाँ बैठे हुए बहस कर रहे हैं। अजीब हालत। और बजट हो रहा है, काय का बजट हो रहा है भाई? किसके लिए हो रहा है? किस मामले में हो रहा है? आप सिर्फ लेखा जोखा बराबर कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? दिस इज नॉट द वे। ये ठीक नहीं है। अब मैं आपको बता, कहा कि हमने अपना वो कर लिया, राजकोषीय घाटा कम कर लिया, फिस्कल डेफिसिट कम कर लिया, बजटरी डेफिसिट कम कर लिया। कैसे कर लिया? बहुत तमाशा, वही मैं कहता ना जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है। पिछली बार आपने जो बजट में एस्टिमेट्स दिए थे, आपने देखा कि वो तो पूरे नहीं हो पा रहे, इसलिए सब मिनिस्टर घटाओ घटाओ, घट गया 60,000 करोड़ घटा दिया, और फिर कहा कि अब हम देखो 5.2 पे आ गए, 60,000 जोड़ दीजिए आप। क्यों कर रहे हैं ऐसा? हिम्मत के साथ कहिए कि भाई ये खर्च होना चाहिए था, ठीक है थोड़ा सा बढ़ जाता, दुनिया वाले हमको टोकेंगे साहब, हमने ये वचन दिया है साहब। अरे नहीं दे सकते वचन, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ब्रह्मा जी की लकीर हो। अगर देश की ज़रूरत के लिए आपको थोड़ा पॉइंट 2-4 बढ़ाना भी पड़ जाए, कौन सी चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है? आम आदमी, देश की अर्थव्यवस्था, देश की जिंदा रहना, देश के उद्योग, देश का मजदूर, या ये आंकड़ा कि हमारा बजट डेफिसिट? हमने क्या किया साहब? बड़ी कुशलता से अर्थव्यवस्था को मैनेज किया, लोग भूखे मर रहे हैं मरने दो, लेकिन हमारा बजट घाटा 5.2 आ गया। मेरी समझ में नहीं आता ये कौन सी अर्थव्यवस्था है। आदमी महत्वपूर्ण है, देश महत्वपूर्ण है, या ये आंकड़ा महत्वपूर्ण है? कुछ समझ में नहीं आता मेरे। अब आपने ये कहा कि साहब ऐसे इसको पढ़ता हूँ मैं तो हंसी आती। कहीं आप कहते हैं बजट एस्टिमेट की तुलना में इतना है, कहीं कह देते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट की तुलना में इतना है। भाई आप पिछले बजट एस्टिमेट से अपना बजट एस्टिमेट कंपेयर कीजिए, पिछले रिवाइज्ड एस्टिमेट से अपने रिवाइज्ड एस्टिमेट्स कवर कीजिए, लेकिन आप ये ऑरेंज और एप्पल्स क्यों कंपेयर कर रहे हैं? कहीं आपको दिखाई देता है बीई कर की तुलना में हमने बढ़ा दिया, कहीं आप कहते हैं हमने आरई की तुलना में बढ़ा दिया। तो ज़रा गौर से पढ़िए, इसकी ये गलतियाँ ठीक करिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। सब समझते हैं, देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि इन बातों को न समझे। अब आप देख रहे हैं इसमें, आप कहते हैं कि एक ही उदाहरण देता हूँ, दैट द प्लान एक्सपेंडिचर इन 2013-14 विल बी 29% मोर देन द रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ द करेंट ईयर, बट इट इज ओनली 6% मोर देन द बजट एस्टिमेट। लोगों ने सुन लिया, अखबार वालों ने छाप लिया, जनता प्रसन्न हो गई, लेकिन जब उसको इन बिटवीन द लाइन्स पढ़ा गया तो ये आ गया। बहुत सारे ऐसे बहुत तमाशे हैं, ये आप कोई भी पढ़ के देख सकता है। कंपैरिजन कर लीजिए एक एक मिनिस्ट्री का, आपको पता लग जाएगा कहाँ कितना घटाया है, और वो जितना आपने यहाँ घटाया है उतना ही आपका घाटा कम हुआ है, और कुछ बात नहीं। तो दिस इज़ अ वर्क ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके लिए आप जैसे विद्वान आदमी की कहाँ ज़रूरत थी? ऐसे तो आपके ऑफिस में काम करते हैं लोग जो ये काम कर सकते हैं। इज़ नॉट नीडेड फॉर दिस, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ योर कैलिबर इज़ नॉट नीडेड। फिर आप कहते हैं कि ये बहुत शेड्यूल कास्ट और इन सब का आपने बहुत वो किया है। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या किया गया है और उसमें क्या हुआ है और कैसे कैसे क्या हुआ है। मनी स्पेंट बट वो आर द बेनिफिशरीज,
दे आर बट फॉर फॉर्चून। देखिए सब प्लान जो आपके हैं एससी एंड एसटी के, उसमें प्लान में खर्चा तो है मगर हुआ नहीं है। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन शेयर 16.2%, शेड्यूल कास्ट सब प्लान इज 37,113 करोड़, 13-14 में है 41,561 करोड़, बजट शेयर दोनों में वही है 9.50 to 9.9। शेड्यूल ट्राइब्स में भी आपका वही शेयर है 5.56 to 5.87। लेकिन यहाँ आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल द सीड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज सेट असाइड ₹79 crores टू शेड्यूल कास्ट स्पेशल प्लान एंड ट्राइबल स्पेशल प्लान, व्हाइल द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हैज सेट असाइड ₹270 crore फॉर इट। NFSM is about raising of crop yields. There is no scheme for helping SC and ST. Kis SC and ST ke paas? If that is the way of your investment and if that is the way of your allocation, mere paas bahut lamba ho jayega isliye main kehta nahi hu. Sarv Shiksha Abhiyan ₹4,793 crore for the SCSP and TSP. But there are no schemes specific to admission of SC or ST children or recruitment of SC and ST teachers. Again, ₹2,284 crore is set aside under the head of the midday meal scheme, though this is meant for all children. वो तो सबको वैसे ही है, उसमें कहीं यार क्या आपकी मिनिस्ट्रीज को पता? उन्होंने कहा रुपया रखना है, रख दो, हाँ रख दो, खर्च नहीं होगा डाल देंगे, घाटा बढ़ जाएगा। प्लीज ऐसे बजट को मत बनवाए, ये बड़े अफसोस की बात है। हिंदुस्तान के लोगों के लिए बहुत बहुत तकलीफ होती है उसके लिए। फिर आप बहुत है मेरे पास आंकड़े, आप हेल्थ, हेल्थ में ब्रिक्स कंट्रीज में सबसे कम हेल्थ पर खर्चा हमने किया, ये आंकड़े आपके पास होंगे मेरे से भी ज़्यादा। लेकिन अब आप देखिए क्या है, आपने आयुर्वेद यूनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी इनके लिए कहा कि दे आर बीइंग मेन स्ट्रीम थ्रू द नेशनल हेल्थ मिशन। मेन स्ट्रीम, ये कौन सी आउटसाइड स्ट्रीम है? आयुर्वेद इज ए मेन स्ट्रीम ऑफ दिस कंट्री, यूनानी इज हियर फॉर सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, जब से हमारा अरब से कॉन्टेक्ट है तब से यूनानी सिस्टम है हमारे, होम्योपैथी जब से आई है तब से हमारे देश के अंदर है, आप ये सीधा पैदा ही यही हुआ है, ये मेन स्ट्रीम कौन होता? आप ये कहिए कि ये इनकी स्ट्रीम सूख रही थी उसको रिचार्ज कर रहे हैं, एनर्जाइज कर रहे हैं, पर मेन स्ट्रीम क्या? डू यू मीन टू से द मॉडर्न मेडिसिन इज मेन स्ट्रीम? दिस इज अ न्यू स्ट्रीम 300 ईयर्स, और अभी 60-70 साल पहले एलोपैथिक मेडिसिन में 5-6 मिक्सचर्स के अलावा और कुछ नहीं होता। डॉक्टर साहब आते थे झोले में बॉक्स में 5-7 मिक्सचर रखते थे, मिक्सचर नंबर 1, मिक्सचर नंबर 5। इट्स 300 ईयर्स ओल्ड, ए गुड स्टोरी, ए गुड सक्सेसफुल स्टोरी, बट प्लीज डोंट कन्फ्यूज दिस कंट्री। यू कॉल इट एज एन इमर्जिंग इकोनॉमी, व्हाट डू मीन बाय इमर्जिंग इकोनॉमी? इट हैड 24% स्पेस इन 1600 एंड नाउ इन 2013 यू से वी आर इमर्जिंग, इन फैक्ट यू हैव कन्वर्टेड इन टू ए सबमर्जिंग। आओ क्या आप बात करें, आपके सारी इकोनॉमी जो है ऋणग्रस्त, इट इज कंप्लीटली अंडर डेट लॉसेस। अब देखिए टेलीकॉम सेक्टर, फाइनेंशियल लोन्स ₹2 lakh crore डेट, दिस वॉज इन September-October 2012। बैंकिंग सेक्टर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ₹1.37 lakh crore एज ऑन June 12th। Then, according to RBI's assessment, a fifth of all structured loans go bad. According to RBI, as on March 31st, 2012, banks had ₹2.18 lakh worth of restructured loans in its books, and I don't think that anyone will be recoverable. Then, credit card outstanding, ₹22,150 crore. ये मिलेगा आपको या नहीं पता नहीं मुझे। इंडियन गवर्नमेंट टोटल प्लान्ड बोरोइंग इज ₹5.7 lakh crore, ऑफ विच ₹2 lakh crore वुड बी इन द सेकेंड हाफ ऑफ द फिस्कल। अब देखिए फिर बैंकिंग सेक्टर, रिपोर्ट बाय क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी पॉइंट्स दैट एक्सपोजर टू 10 लार्ज इंडस्ट्रियल ग्रुप्स कॉन्स्टिट्यूट 13% ऑफ द एंटायर बैंकिंग सिस्टम। 10 लार्ज ग्रुप्स, they control 13% of these loans.
Indian banks had loans outstanding of rupees 36,600 crore to the mining and quarrying, rupees 93,000 crores to the telecom sector, power sector. The accumulated losses of the state power distribution companies are estimated to be alone rupees 1.90 lakh, which would be by now must have crossed 2 lakh crores. Interest badh raha hoga. Air India lost rupees 67,520 crores. Ye abhi February ki aankde hai. Pantaloons lost rupees 3,300 crores. Now, if you add all the losses, then you see the total loss comes to 40,500 crore in the beginning of this session. बढ़ गया होगा. अब आप इसके साथ देखिए, आप रिसोर्स कहाँ से पैदा करें. आपने कहा है कि आपकी जो नॉमिनल ग्रोथ है वो पिछले साल 12% थी, उसके पहले जो आपकी एवरेज नॉमिनल ग्रोथ है वो 15%. इस 15% से 12% होने में the output loss is 3 lakh crores. Just in 1 year, we lost 3 lakh crores. एक थोड़ा सा पॉइंट ग्रोथ कम है. और इस साल भी आप यही कहते हैं कि यही होगा, 12% होगी या 13% होगी, अनदर 2 lakh crores. तो 5 lakh crore आपके जाने से पहले आप ये output loss छोड़कर जाएंगे. So resource कहाँ से लाएंगे? जो रिसोर्स आप बताते हैं ना, वो फिर मैं आपको बताऊंगा वो उसकी क्या हालत है, उसको देखिएगा. बैंक्स की आपकी हालत ये है कि रियलिटी और सबको मिला के 4,37,000 करोड़ रियल स्टेट्स में आपका एक्सपोजर है, और 5 लाख मकान ऐसे हैं जो अभी तक बिके नहीं हैं. एग्रीकल्चर, अब आप देखिए दुनिया भर में हालत खराब है. द यूएस इज फेसिंग अ सीवियर ड्राउट एंड इंडिया हैज विटनेस्ड अ बैड स्पेल ऑफ मानसून दिस ईयर विद इरेटिक एंड अनप्रडिक्टेबली लो स्नोफॉल. अभी तक आप यही कह रहे थे कि बहुत खराब फसल है, बहुत खराब फसल है, लेकिन स्टॉक पाइल्स ऑफ द बिगेस्ट क्रॉप्स अभी तक हमारे यहाँ थे. आप बाहर से ऑयल्स एंड ऑयल सीड्स और पल्सेस मंगाते हैं, उन देशों में क्या हाल है इस बार कुछ पता नहीं. Combined inventories of corn, wheat, soya beans and rice will drop 1.8% to a 4-year low before harvest in 2013. और US government के यहाँ हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि ये corn bonds सब उन्हीं के यहाँ का है. Wheat production in Russia, the largest exporter, will fall 20% this year, and in Australia output will decline 19%. And God forbid another year of bad spill of rain in India may also create more problems for us. So, इसलिए under these conditions, how are you going to control the food inflation? अगर बाहर food नहीं हो रहा, आप क्या है? तो आप या तो export करोगे तो दाम बढ़ेगा, और अगर बाहर food नहीं है, वहाँ के महंगे food को import करोगे तो दाम बढ़ेगा. Food is the biggest contributor to inflation. उसे आप कैसे control करो? आपने कहा हम कर लेंगे कंट्रोल. मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन फूड का है. फूड आप देते नहीं, बाजार में खोलते नहीं, सिलोज बनाते नहीं, क्या करते हैं? हर साल कहते हैं सिलोज बनेंगे, बनते कुछ नहीं. आप इसका नतीजा क्या है कि जो एग्रीकल्चर पहले हमको 53% कंट्रीब्यूट करती थी, वो अब 13-14% कंट्रीब्यूट कर रही है. 60-65% लोग इतना कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. क्यों नहीं आप एग्रीकल्चर से लोगों को कहीं ला सकते? जॉब्स कहाँ हैं? मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स नहीं है, सिर्फ सर्विस सेक्टर में जॉब्स थोड़ी सी बढ़ी हैं. पिछले सालों का मेरे पास सारा आंकड़ा है कि कहाँ कहाँ जॉब्स की क्या हालत है. आपने कहा था कि अगर हमारी 8% ग्रोथ हो जाएगी तो 1 करोड़ जॉब्स क्रिएट कर लेंगे. 8% ग्रोथ होगी कैसे अगले साल? अगर इटली के वोट का कोई नतीजा हमको यूरोप में दिखाई दे रहा है, और यूरोपियन इकोनॉमी बिल्कुल वहीं कदम ताल कर रही है या पीछे हट रही है, तो ये आपकी ग्रोथ कहाँ से? आपने अपने दूसरे मार्केट्स तो अभी डेवलप नहीं किए. सवाल ये है कि अगर आपको एक्सपोर्ट आपका बढ़े नहीं, इंटरनल रिसोर्सेज आपके बढ़े नहीं, तो आप कहते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगे,
और उससे बहुत पैसा करेंगे, बिल्कुल ठीक है। आपने इसमें कहा है, मैंने देखा उसको, बहुत ही अच्छी बात है वो कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कुछ कहा है, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री, आपने एक बात कही है कि आप 55 लाख करोड़ 12वें प्लान में इंफ्रास्ट्रक्चर में रखेंगे। 55 लाख करोड़, जी, ये भाषण इनका, द 12th प्लान प्रोजेक्ट्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ USD 1 trillion और ₹55 लाख करोड़ इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक साल में आप 11 लाख करोड़ एक साल में आप लाएंगे कहाँ से? आप कहते हैं 47% इसमें प्राइवेट शेयर होगा और बाकी इसमें पब्लिक शेयर होगा। 47% जो इसका है वो होगा 5,17,000 करोड़। ये 5,17,000 करोड़ आप कहाँ से लाएंगे एक साल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर? पब्लिक, यानी वो प्राइवेट वाले लाएं, कहाँ से लाएंगे? दुनिया से उधार मांगेंगे, क्या करेंगे? नहीं, वो फिर आपने जो रास्ते बताए उसमें मैंने हिसाब लगाया, सिर्फ 75,000 करोड़ पैदा होता है। और फिर कहते हैं पब्लिक जो है वो 5,83,000 करोड़, हम ये कहाँ से, ये पार्लियामेंट कहाँ से वोट करेगी 5,83,000 करोड़? कहीं जिक्र नहीं है कि ये 5,83,000 करोड़ कहाँ से आएगा। आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स, जहाँ देखो कर्जा, जहाँ देखो कर्जा, विदेशों से बॉन्ड ले लो, ये कर लो, वो कर लो, यानी अपने अपने आप में कुछ नहीं, जो करना है उनके भरोसे। ये क्या है, मेरी समझ में नहीं आया कि आप 5 साल में 55 लाख करोड़, एक साल में 5 लाख करोड़, और उसमें आप ये देखिए क्या होगा, ये 11 लाख करोड़, और इसमें 5,17,000 प्राइवेट करेगा और 5,83,000 पब्लिक करेगा। कोई रास्ता तो दिखता नहीं। जो अर्थव्यवस्था की हालत है और जो दुनिया की हालत है उससे तो कहीं हमको दिखता नहीं। फिर आप रोड कंस्ट्रक्शन, क्या हाल है रोड, जो आपने, मैंने देखा ना, आपने जो स्टेट्स को भी पैसे दिए हैं रोड कंस्ट्रक्शन में घटा दिए, रोड कंस्ट्रक्शन सबसे कम हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीज़ आप बनाए, हवाई अड्डे या सड़क, क्या बनाएंगे बताइए? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं, साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं? आपने क्या कुछ रुपये रखे हैं, इससे क्या बनने वाला है? कहीं फोकस करिए, इधर उधर मत बांटिए। हाँ, बांटना आपकी मजबूरी है क्योंकि ये चुनाव का साल, इसलिए आपने जितनी स्कीम बनाई है वो सब इलेक्टोरल को जेब में डालने के लिए बनाई है। वो आपका तजुर्बा हुआ था जो आपने ये बनाई थी ना मनरेगा, उसके नहीं, जो ये कर्जा माफ़ किया था आपने, कैश ट्रांसफ़र स्कीम्स जो अब आ रही हैं उसकी जो जेनेसिस है वो आपके इससे है, इस कर्जा माफी से। तो आपने उन 5 राज्यों में जहां आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद थी पॉलिटिकल गेंस की, वहां जो कर्जे दिए माफ़ किए और उनसे जो फ़ायदा हुआ वो आप सुन लीजिए। आंध्र प्रदेश में आपने कर्जा माफ़ किया 11,353 करोड़, उसमें 2004 में लोकसभा सीट कांग्रेस के पास थी 29, 2009 में हो गई 33। महाराष्ट्र में 8,953 करोड़ कर्जा माफ़ किया और वहाँ सीटें थी 13 आपके पास, 2009 में हो गई 17। उत्तर प्रदेश में आपने 9,000 करोड़ रुपया बांटा, वहाँ आपके पास सीट थी 9 और बढ़ के हो गई 22। केरल में 2,962 करोड़ रुपया मांगा, सीट थी 0 और बढ़ के हो गई 13। ये कर्ज़ा माफ़ी में हुआ क्या वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो तो आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो है ना सर्कुलर, बहस कर चुके हैं हम, उसने कहा इतनी इररेगुलरिटीज़ हुई, जिनको नहीं मिलना था उनको मिल गया, जिन्हें मिला था उन्हें ज़्यादा मिल गया, और जिनको मिलना ही नहीं चाहिए था उन्हें भी मिल गया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कुलर निकाला कि 15 दिन के अंदर सबको पकड़ के, रिजर्व बैंक 15 दिन के अंदर सबको, मुझे पता नहीं क्या हुआ, अब तो 1.5-2 महीना हो गया उसका। तो ये आपकी जो स्कीम्स है ना, इसका नतीजा यही है, मैं तुम्हें डायरेक्ट पैसा दूंगा, तुम मुझे डायरेक्ट वोट दो, ये है आपका बजट लेटेस्ट। हाँ, नहीं, हाथ से दोनों से लो, वोट एक ही हाथ से दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, आपने हर जगह 3 आपने मुद्दे छाँट लिए चुन इसमें बजट में, एक महिला, एक नौजवान और एक
हाँ ये नौजवान हो गया ना, वो तो गरीब सबको डायरेक्ट पैसा, और आप कहते हैं कि स्किल्ड नौजवान पैदा करेंगे। जितना दिया है वो, जितना भी दिया हो, वो दिया तो सब उसी काम के लिए है, मैं वो भी बता दूं। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये आप कहते हैं कि उसको स्किल्ड बनाएंगे, और स्किल्ड बनाने के बाद उसको 10,000 रुपया देंगे। काय के लिए? आप उसे स्किल्ड बना लेंगे दिसंबर जनवरी तक, और फिर फरवरी मार्च में उसको कहेंगे वोट कर, 10,000 रुपया। ये क्या स्कीम, स्किल के बाद आप 10,000 रुपये का क्या लालच दे रहे हैं उसको? क्या आप लोगों को बेवकूफ समझते हैं कि ये सब समझते नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं? मेरे पास वो रिपोर्ट है जो कहती है, एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है जिसने ये देखा है सब। वो कहती है कि वेनेजुएला के इलेक्शन को, हाँ, उस रिपोर्ट में स्टडी किया गया, और उन्होंने बताया कि साहब वहाँ ये जो ऐसी स्कीम्स हैं इससे वोटर प्रभावित होता है। ये साहब आपको ज़्यादा पसंद आएगी, मानेंगे भी आप, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की, हिंदुस्तान की होती तो शायद आपको कम होती। वो ये कहता है, द रिजल्ट्स हाउएवर शो दैट द वोटर्स रेस्पॉन्ड टू टारगेटेड ट्रांसफर्स एंड दैट दीज ट्रांसफर्स कैन फोस्टर सपोर्ट फॉर इनकम्बेंट्स, दस मेकिंग द केस फॉर डिजाइनिंग पॉलिटिकल एंड लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म्स दैट अवॉयड सक्सेसफुल एंड एंटी पॉवर्टी स्कीम्स फ्रॉम बींग कैप्चर्ड बाई पॉलिटिकल। तो ये उन्होंने पूरा किया है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन ये कैश ट्रांसफर का ये एक, आप कहते हैं हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा, आपके कॉमर्स मिनिस्ट्री के अफसर ने स्ट्रेटजी फॉर डबलिंग एक्सपोर्ट्स इन नेक्स्ट 3 ईयर्स ये बनाई, मुझे पता नहीं उसका क्या है। ये अच्छे ऑफिसर हैं, जब मैं कॉमर्स कमेटी का चेयरमैन था ये आते थे, ये वॉज अ सेंसिबल पर्सन, और ये रिपोर्ट बना के आप एक्सपोर्ट चिल्ला रहे हैं। आपका आदमी कह रहा है कि ये स्ट्रेटजी है, आप माने या ना माने वो बात अलग, पर इस पर डिस्कशन तो कराइए, बात तो होनी चाहिए कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, कौन सा बढ़े, किस चीज़ का बढ़े, और वो एक्सपोर्ट से किसको काम मिले। अब आप बंगाल की ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अगर आप बढ़ाना शुरू करें तो एक्सपोर्ट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कौन सा ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ की चीज़ें आप बाहर नहीं बेच सकते, राजस्थान, आपको बहुत पैसा मिल सकता है अगर आप टूरिज्म डेवलप करें। भगवान ने इतना दिया है आपको प्राकृतिक संसाधन, और जो परमानेंट है, आपका कुछ खर्च नहीं होता, उसका भी कुछ खर्च नहीं होता, कोई नहीं। मैं जिस शहर को प्रतिनिधित्व करता हूँ, बनारस, वहाँ हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, मगर आपका कोई ध्यान ही नहीं। आपके रेल मंत्री जो पहले थे, सबसे पहले ममता जी, उन्होंने कहा इसका स्टेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो जाएगा 2009 में, आज क्या है भाई 2013, वो कुछ नहीं, वो वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, वो अब नेशनल का भी नहीं रहा, नई घोषणाएं कर दी। हाँ क्या हर साल कहा जाता है वीवर्स के लिए ही होगा, मेरे यहाँ बहुत वीवर्स है, सारी बनारसी साड़ी वहाँ बनती, मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में कारपेट वीवर्स है, हैंडलूम वीवर्स है, वहाँ से लेके बिहार तक सारे हैंडलूम वीवर्स हैं, मध्य प्रदेश में हैंडलूम वीवर्स हैं, आंध्र प्रदेश में हैंडलूम वीवर्स हैं, बंगाल में क्या बढ़िया साड़ियाँ बनती, क्या टैक्स, मूंगा सिल्क, अपने सिल्क पे बढ़ा दिया टैक्स, कोई बात नहीं, वह आपने मार्बल पे भी बढ़ा दिया, मार्बल पे टैक्स बढ़ा दिया आपने। हाँ वो जो भी किया, तो मुझे एक पोइट मिल गए, वो कहने साहब अब तो इश्क करना भी फजूल हो गया, क्योंकि कोई आदमी अब वो नहीं बनवा पाएगा मकबरा, इतना महंगा मार्बल हो गया। दैट इज़ द टाइप ऑफ रिएक्शन विच पीपल्स, योर बजट हैज डिसअपॉइंटेड दिस एंटायर नेशन। मुझे पता नहीं प्रधानमंत्री जी और सोनिया जी को पसंद आया या नहीं, लेकिन देश में इसकी भयंकर क्रिटिसिज्म है, और सब ये कहते हैं कि ये चुनावी बजट है, इसमें कुछ नहीं है, इसके अंदर आपने एक बहुत महापुरुष के वक्तव्य से अपना भाषण सुना, दोबारा मत बोला, और आप 4 घंटा बैठा देते हो।
उसके पहले एक बात, आपने प्रतिरक्षा, चीन क्या कर रहा है उसकी निगाह में देख के पाकिस्तान क्या कर रहा है, आपने आश्वासन दे दिया कि पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन डिफेंस जस का तस, पैसे की कमी नहीं होगी मगर तैयारी भी जस की तस है। संस्कृत में कहावत है, शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे अर्थ चर्चा प्रवर्तते, शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे राज्य चर्चा प्रवर्तते। जो राष्ट्र, जो देश वेल डिफेंडेड है, जिनकी आर्मी बहुत मजबूत है, वो शास्त्र चर्चा भी कर सकते हैं, दे कैन डिस्कस ऑल प्लान्स, वो अर्थ चर्चा भी कर सकते हैं, बीइंग सेफ एंड सिक्योर, इकोनॉमिक का डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, राज्य को समृद्ध भी बना सकते हैं, बट बेसिक थिंग इज दैट यू मस्ट बी वेल प्रोटेक्टेड, वेल डिफेंडेड। रोज आप कांपते रहते हैं, कभी चीन ये ना कर दे, कहीं पाकिस्तान ये ना कर दे, कहीं आतंकवादी ना घुस जाए, कांपते रहते हैं। दिल्ली अनसेफ, बम्बई अनसेफ, तो कहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो? आप बार बार कहते हैं कि लोग नहीं आ रहे, लोग इसलिए नहीं आ रहे, अब वो भी बहुत तमाशा, आपके यहाँ लोग इसलिए नहीं आ रहे कि आपकी नीतियाँ गलत हैं, आपके सिद्धांत और काम करने के तरीके गलत हैं। आपके जो मिस्टर कौशिक बासु थे, बहुत दिनों तक आपके यहाँ वो रहे, उन्होंने क्या क्या लिखा है वो मैं बता दूँ आप, हैं कैसे भी थे इनके सलाहकार, तो मानते होंगे ना उनकी सलाह को कम से कम। यस, वो ये कहते हैं कि आपके यहाँ जो सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है वो आपकी लैक ऑफ गवर्नेंस से होती है। वो ये कहता है कि इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट ए बिजनेस इन इंडिया, इट विल टेक यू एन 8 days टू गेट द क्लियरेंस, इन चाइना इट टेक्स 46 days, इन मलेशिया 31 days, एंड इन सिंगापुर 8 days। इफ़ योर बिजनेस रन्स इन टू ए प्रॉब्लम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वायोलेशन, इन इंडिया इट विल टेक यू ए ईयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इन चाइना 180 days, इन सिंगापुर 50 days, बट इफ़ यू कैन हैव कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्स्ड एंड स्टार्ट ए बिजनेस, द रियल कैच इन इंडिया इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस टू रिजॉल्व एन इंसॉल्वेंसी केस एंड शट डाउन ए फर्म टेक 7 months इन सिंगापुर, 26 months मलेशिया, हाउ मच इन इंडिया, इन लिटिल ओवर देन 11 years। कौन करेगा बिजनेस? ये कौन करेगा बिजनेस? आप इसको सुधारिए, बाकी आप वो इसमें FDI लाओ, इसमें वो लाओ, ये बंद करिए। आप पहले अपनी सरकार को सुधारिए, अपनी फाइनेंशियल गवर्नेंस को सुधारिए। आपकी मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन करती रही, आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालते हैं, उसे खर्चा दिखा देते हैं, आप यही कर रहे हैं। प्लीज़ कम से कम फाइनेंस मिनिस्ट्री को फाइनेंसेस के मामले में कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन नहीं करना चाहिए। वी हैव एग्जामिन्ड दिस इश्यू इन डिटेल, वी हैव सबमिटेड ए रिपोर्ट। संविधान की भी मजाक उड़ा दी, आपकी मिनिस्ट्रीज टाइम पर जवाब नहीं देती हैं। और आपको मैं दो बात कह के इसको मैं ख़त्म करूँगा। पहली बात तो ये कि जो इस मामले में हमारे देश के व्यवसाय हैं, उस बड़े आर्थिक कौटिल्य, द किंग इज एडवाइज, दैट इज द रूलर और द गवर्नमेंट इज एडवाइज टू बी एवर एक्टिव इन द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, because the root of wealth is economic activity. Inactivity brings material distress. Without an active policy, both current prosperity and future gains are destroyed. And furthermore, management is the responsibility of audits and accounts. Accounts officers shall present themselves for audit at the appointed time, bringing with them their account books and the income to be remitted to the treasury.
be ready for the audit when the audit officers calls him. अब क्या हो रहा है? ऑडिट कहता है मैं ऑडिट करना चाहता हूँ, सरकार कहती है मत करो, ये नहीं कर सकते, फौज वाले कहते हैं इधर मत देखो, इंडस्ट्री कहती है इस जॉइंट वेंचर को मत देखो, सरकार कहती है अगर तुम देख रहे हो तो तुम डिस्टेबलाइज हमें कर रहे हो, तुम अपोजिशन से मिल रहे हो, क्या बात है? बी रेडी फॉर ऑडिट व्हेन द ऑडिट ऑफिसर्स कॉल्स हिम, नॉट लाई अबाउट द अकाउंट्स व्हेन क्वेश्चन ड्यूरिंग द ऑडिट, एंड डोंट ट्राई टू इंटरपोलेट एन एंट्री एज इफ इट वॉज फॉरगॉटन इन एडवर्टेंटली, ये मत करो, ये भी होता है. फेलियर टू कन्फॉर्म टू एनी ऑफ द अबव रेगुलेशंस इज ए पनिशेबल ऑफेंस. कौटिल्य बिफोर क्राइस्ट प्रेस्क्राइब्स दिस एज ए पनिशमेंट. इन केस ए डिस्क्रिपेंसी इज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग ऑडिट द ऑफिशियल कंसर्न शेल पे ए पेनल्टी if the discrepancy has the effect of either showing a higher actual income or a lower actual expenditure, in both the cases the state loses. Please, you as finance minister have double duty, on the one hand to see that the money is collected, and on the other hand you see that the money is properly spent and accounted and then get it submitted for the audit. Don't decry the auditor. Don't denigrate that constitutional office. And finally, fight out the corruption. I will not deal with that in detail because it has been dealt in so many debates. Please make your budget, revise your budget, you can. Bring principles in. And finally, you have also quoted Vivekanand, if I remember, I also with the quotation from Vivekanand. I am one of the proudest men ever born, but let me tell you frankly, it is not for myself, but on account of my ancestry. Do not be in a hurry. Do not go to imitate anybody else. This is another great lesson we have to remember. Imitation is not civilization. Oh India, with this blind imitation of foreigners, this blind dependence on foreigners, this slave-like weakness, this cowardice, do you wish to achieve great heights? Mr. Finance Minister, don't too much depend upon the foreign wisdom. Try to invoke the inner strength of India, which you have said that you want to do, but your budget miserably fails, I'm sorry to say. I wish if you could have stood up to that quotation from Vivekanand. The budget is totally in contradiction to what you have said in the end of it. I wish that that should have been the real theme of your budget, the real theme of any Indian budget in times to come, that we should not imitate. Imitation is not civilization. Let us try to realize our own inner strength, the vitality of India, Mr. Prime Minister, Mr. Finance Minister. It is the civilizational consciousness of India which has to be rekindled and reawakened. And with that spirit, if you come before the nation, I think nation will respond as it responded to Lal Bahadur ji, as it responded to Atal Bihari ji. Please, Mr. Finance Minister, take a fresh view, come with another revised version of your budget speech if you can, but otherwise this would be your last budget. please. Let me speak. Thank you. Dhanyawad. Sri Sanjay Nirupam. Sabhapati ji. सदन के वरिष्ठ नेता और विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने 2013-14 के बजट के ऊपर चर्चा की शुरुआत की है. शुरुआत करते हुए
उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही है जिसका जिसके ऊपर मैं अपनी टिप्पणियां करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं सबसे पहले बहुत भारी मन से यहां पर खड़ा हूं, क्योंकि मैं इस जिस प्रदेश से आता हूं वो प्रदेश बहुत जबरदस्त सूखा से ग्रस्त है। लाखों की संख्या में लोग वहां परेशान हैं। ऐसे महाराष्ट्र को हमारे वित्त मंत्री महोदय ने